आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, जिसमें हम आपको बताएंगे शाहरुख खान की रियलिटी में कौन सी फिल्म जो आने वाली है और 100% जो श्योर है उसके बारे में फुल तरीके से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शायरी हो जाए, जो उमर शरीफ आपने नाम सुना होगा, बहुत ही जबरदस्त कॉमेडियन है, उनकी एक शायरी थी। उन्होंने बोला था, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है और टकले गुटका चोर ने अपने चैनल पे फेक न्यूज चला रखा है। अब तो हेटर्स भी तमन्नाएं हैं शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म के बारे में जानने के लिए। ऐ शाहरुख खान, तुमने कितना नाम कमा रखा है। और अजीम है वो नल्ले सब्सक्राइबर भी इनके, जिन्होंने टकले और गुटका चोर को गुरु बना रखा है। अदावर से अदावर से। और एक शायरी इनकी एक और भी थी कि खा के कुल्फी जो फेंका किसी ने सहन में तिनका, उनकी अम्मा ने उनका नाम गुटका चोर एंड टकला रखा है। रियल नेम मेंशन कर लेना, ठीक है, ये इनके ऊपर सूट करता है। बात करें शाहरुख खान की आने वाली फिल्म के बारे में, देखो एक ये न्यूज, आप देखो ये न्यूज है फिल्मी बीट की, जिन्होंने बताया कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म लॉयन है, जिसको डायरेक्ट करेंगे एटली कुमार। उन्होंने ये भी बोला जवान 2, उसको भी डायरेक्ट करेंगे एटली कुमार। उन्होंने ये भी बोला करण जौहर शाहरुख खान की भी एक फिल्म आ रही है, नाम अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ये न्यूज देखो, ये जन टाइम्स की है, इन्होंने बताया कि काकोरी के नाम से एक जो ऑपरेशन है उस पर एक फिल्म आ रही है, जिसमें शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव नजर आने वाले हैं। उन्होंने ये भी बोला कि एक फिल्म आ रही है जो हेराम 2 होने वाली, मतलब हेराम जो शाहरुख खान कमल हसन की आई थी, उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। उन्होंने ये भी बोला चक दे इंडिया बनाए थे, वो भी एक नई स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास पहुंचे हैं और वो भी फिल्म आने वाली है। और न्यूज वाले उन्होंने भी बोला है कि शाहरुख खान की फिल्म आ रही इजहार, जिसको डायरेक्ट करेंगे संजय लीला भंसाली। आप समझ रहे हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारे आर्टिकल्स उन्हीं लोगों के हैं। आप इससे अंदाजा लगाओ कि इतने लोगों ने इतनी फिल्मों का नाम दे दिए हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक भी फिल्म नहीं है। और एक्चुअली यही करता हुआ नजर आता है हमारा जो फेक न्यूज गुटका चोर वाला, वो हमेशा अपने चैनल पे गलत गलत चीजें बोलता है। शायद वो अपना कमेंट नहीं पढ़ता कि कमेंट के नीचे उसको लोग किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं उसकी झूठी न्यूज को लेकर। मतलब कितने डायरेक्टर का नाम जुड़वा चुका है और यहां तक बोला है कि फरवरी में, मार्च में, मतलब अनाउंसमेंट होगी यार, फरवरी मार्च होनी तो है ही। मैं बार बार बोलता हूँ शाहरुख खान घर तो नहीं बैठेंगे यार, शाहरुख खान काम तो जरूर करेंगे यार। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन ये जो है हर डायरेक्टर, मतलब बॉलीवुड का जो डायरेक्टर इस वक्त काम कर रहा है उसका नाम गिनवा दिया, और साउथ के जितने डायरेक्टर ने सारा नाम गिन, मतलब सबके साथ शाहरुख की फिल्म आ रही। अब एक ना एक तो उसमें सही हो गई होगा 100%। तो ये जैसे न्यूज चल रही उसी तरीके से ये सारे डायरेक्टरों का नाम जुड़वाकर ऐसे ही बकवास करता रहता है यार। एक्चुअली मैं एक चीज बता दूं, शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि देखो मैं एक ऐसी फिल्म करना चाहता हूं जो बिजनेस के लिए नहीं याद की जाए, जो याद की जाए शाहरुख खान के परफॉर्मेंस की वजह से। आपको बता दूं, जवान और पठान के लिए शाहरुख खान किंग नहीं बने, शाहरुख खान किंग बने हैं तो कुछ कुछ होता, कल हो ना हो, कभी कुछ कभी गम, रब ने बना दी जोड़ी, मोहब्बतें, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, ऐसी फिल्मों से शाहरुख खान किंग बने। आप उनको ये नहीं कह सकते कि जवान और पठान से वो किंग बने। बहरहाल आजकल टाइम चल रहा है एक्शन फिल्मों का, और शाहरुख खान के पास दो स्क्रिप्ट ऐसी आई हैं जो फुल ऑन एक्शन है। शाहरुख खान उसकी पर बहुत सीरियसली तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि डंकी के बाद शाहरुख खान अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि फिर से उनके कैरियर पे कोई ना कोई चीज का एलिगेशन लगे। इसलिए जो शाहरुख खान के पास दो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही दमदार और जबरदस्त प्रोजेक्ट है। अब मैं उनका नाम इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं कि कुछ ही दिन के वेट में आपको वो चीज क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बता दूंगा ये नाम एक्चुअली होता क्या है, कि मैं भी इस डायरेक्टर का नाम आपको बता के चला जाऊंगा, कल के दिन आप सोचोगे यार ये फिल्म तो आ रही है 100%, और इत्तेफाक से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी और फिल्म की हो जाए तो फैंस डिस्टर्ब हो जाते हैं यार, क्योंकि वो सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। तो इसलिए थोड़ा वेट करो, और बहुत ही जबरदस्त स्क्रिप्ट है, बहुत बेहतरीन डायरेक्टर शाहरुख खान आ रहा है। शाहरुख खान देखो एक किंग ऑफ रोमांस को कहा जाता है, उनकी फिल्में उनके परफॉर्मेंस से याद की जाती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो शाहरुख खान जो काम करेंगे ना, अपने परफॉर्मेंस उसमें स्ट्रांग हो, जबरदस्त हो, ना कि सिर्फ बिजनेस के लिए याद की जाए। आपको पता है 2023 में बिजनेस की वजह से फिल्में याद की जा रही हैं, और आने वाले कुछ सालों में ये लोग को भूल भी जाएंगे। गदर 2 को कौन याद करेगा, सिर्फ 500 करोड़ बिजनेस कर ली, फिल्म क्या थी, घटिया है। एनिमल क्या थी, फिल्म कमाल ली, लेकिन फिल्म क्या है कैसी आपको पता है। शाहरुख खान की जितनी भी फिल्में हैं जिससे वो बादशाह बने, किंग बने, वो फिल्में आइकॉनिक है। जब तक बॉलीवुड रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, लोग उसको याद करेंगे, वो करेक्टर वो शाहरुख खान ने निभाया है। समझ रहे हो, ये आप समझो पहले बात को। और SRK की जो फिल्म आ रही है, मैंने कहा कि कुछ दिन के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट शाहरुख खान खुद करेंगे, और बहुत जल्द करेंगे। लेकिन दो फिल्में जो हैं बहुत ही कमाल की हैं, जिसमें शाहरुख खान आप उसी तरीके से देखो जैसा आप देखना चाहते हो, मतलब कमाल तरीके से। और शाहरुख खान को ये समझ में आ गया कि आज के टाइम जो है वो एक्शन की फिल्में चल रहे हैं, इसीलिए बहुत चूजी हो गए हैं कि हर स्क्रिप्ट को देखते हैं, नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उनको वैसी फिल्म चाहिए जो आज के टाइम पे चल रही हो, लेकिन उसके अंदर साथ साथ शाहरुख खान का प्रेजेंटेशन भी जबरदस्त हो, जिससे लोग सालों साल याद करें। बात समझे कि नहीं मेरी? तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि फेक लोगों से बच के रहो। ये तो अपनी दुकान चलाने की, हर वक्त अब नीरज पांडे का नाम फलाना, मतलब किसका किसका जोड़ दिया, मतलब कहीं भी तुक्का फिट हो जाए, कहीं पे भी तुक्का फिट हो जाए।
बहरहाल आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कितना सेटिस्फाई हुए हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे शाहरुख खान के कुछ फ्रेंड ने मुझे कहा था तो मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, सी यू अगेन।